पनवेल परिसर में रास्तों की खस्ता हालत, ट्रैफिक जाम, शहर में कहीं चौक पर सिग्नल ना होना आदि कारणों की वजह से वाहन अपघात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो दूसरी ओर टू व्हीलर फोर व्हीलर वाहनों में विभिन्न प्रकार की लाल नीले सफेद रंगों के सेंसर लाइट लगाने के मामले बढ़ गए हैं। तेज रोशनी से दूसरे वाहन चालकों की आंखों पर पड़ के चमकती है, जिससे वाहन चलाने में तकलीफ पैदा होती है, जिस कारण छोटे बड़े हादसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से एलईडी अथवा फ्लैशलाइट लगाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की मुहिम चलाने का आश्वासन आरटीओ के अधिकारी ने दिया है। कार्रवाई ही जर लाइट डोळे दिपकणारे असेल आणि तसे जर निदर्शनास आले इतर चेकिंगच्या समयात, तसे आमचे स्टँडिंग ऑर्डर्सही आहेत या संदर्भात चेकिंग करण्याविषयी। तसे जर लाईट्स जर डोळे दिपकणारे जर लाईट्स किंवा हाय व्होल्टेजचे जास्तीत जे लाईट्स लावलेले असे आढळले तर त्याच्यावर कारवाई करणं, त्याला कारवाईमध्ये दंड जास्ती नाही आहे। दंड त्याला 200 रुपयाचा 177 खाली दंड आहे चुकीचे लाईट्स वापरल्याने। तो वही वाहन चालकों में अधिकारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बता के दोषी वाहन चालकों पर कार्रवाई की जरूरत को बया किया। फ्लैशलाइट मुळे समोरचे जे बाइक वाला असेल त्याला काही दिसत नाही आणि त्याच्या डोळ्यात पूर्णपणे जे फ्लॅश पडतो त्याच्यामुळे त्याला काही दिसत, त्याच्यामुळे अपघात त्याच्यामुळे जास्त घडतोय। कारण कसं असतं, जी फ्लॅशलाइट जी व्हाईट आहे ती समोरून जर आपण, आणि काही ड्रायव्हर असेल की त्यांना अफोर्डेबल ही चीजच माहीत नाही, त्याच्यामुळे जे ट्रिप करून करतात आणि ती कंप्लीट बाईकवाल्याच्या डोळा मारतात, जेणेकरून ते बाईकवाल त्या फोरच्या मध्ये जातो आणि अपघात घडतोय। खरोखर जे आरटीओने केलं की फॅसिलिटी बंद करायची व्हाईट लाईट बोलतो मी, ते खरं योग्य आहे, माझ्या दृष्टीने तरी योग्य आहे, कारण त्याच्याकडून जे अपघात घडत आहे अपघात घडणं थांबतील। तो दूसरी ओर चमकदार लाइट्स की बिक्री करने वाले दुकानदारों को जागरूक कर नियमों पर अमल करने को जरूरी बताया गया। अभी सब ये सब चाइना के आइटम है, ऑल्ट्रेशन है, लेकिन अभी कानून के खिलाफ तो क्या, वो बोलेंगे नहीं बेचना है, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, तो दुकानदार बेचना बंद कर देगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज भगत के साथ योगेश पाटिल की रिपोर्ट।